Geeky Hours. बड़ी खबर इस वक्त है क्रिकेट की दुनिया से। भारत T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में हार गया है श्रीलंका के हाथों। 6 विकेट की हार भारत को आज नसीब हुई और इसके साथ ही श्रीलंका बन गया है नया वर्ल्ड T20 चैंपियन। और क्रिकेट के जानकार यही कह रहे हैं कि आज की इस हार में एक बहुत बड़ा किरदार रहा युवराज सिंह की धीमी बल्लेबाजी का। 21 गेंदों में उन्होंने केवल 11 रन बनाए और आखिर में जब श्रीलंका की बल्लेबाजी आई तो लगा कि 20 से 25 रन भारत का स्कोर कम था और यही वजह बना भारत की हार की। बहरहाल ऐसा मैच नहीं हो पाया जिसकी उम्मीद थी। भारत ने कम स्कोर बनाया, केवल 131 का टारगेट श्रीलंका को दे पाए थे जिसे श्रीलंका ने 17.5 ओवरों में ही पूरा कर लिया और इसके साथ ही वर्ल्ड T20 चैंपियन बन गया। स्टूडियो में हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, यशपाल शर्मा, चेतन शर्मा और संजय भारद्वाज। यश जी, 131-130 शायद कभी भी स्कोर ज्यादा था नहीं। बिल्कुल, देखिए ये अपनी गलतियों से ही ये हुआ है कि जो 131 रन बनाए हैं। अब 17.5 ओवर में उन्होंने ये लक्ष्य पूरा कर लिया। अब हम भारतीय खिलाड़ी जो हैं वो धीमा खेलेंगे तो फिर यही वो खामियाजा भुगतना पड़ा है। तो देखिए वो रणनीति नहीं थी, दो कारणों से हुआ है सौरभ, मैं साफ साफ शब्दों में कहूंगा। देखिए पहले उन्होंने जो बैटिंग दी है, क्योंकि तैयारी के साथ आते थे जब लक्ष्य का पीछा करते थे भारतीय बल्लेबाज, वो पहले 6 ओवर धीमे खेले, आखिरी 2-3 ओवर धीमे खेले, बीच उसमें युवराज भी अच्छा नहीं चल पाए, तो उसी का कारण है 25-30 रन कमजोर हुए, तो उसी की वजह से ये हार का। आप केवल युवराज को दोष नहीं दे रहे? मैं सलामी बल्लेबाजों को भी दोष दे रहा हूं, दोष नहीं, मैं आलोचना नहीं करूंगा। रणनीति में कहीं चूक हुई है शुरू में धीमे। देखिए उन्होंने 6 ओवर में 42 रन कर दिए, उन्होंने जोखिम उठाया। ऐसी धीमी पिच पर आप अगर एक एक रन के लिए खेलेंगे रन नहीं बनाएंगे, लेकिन जब आप थोड़ा कोशिश करेंगे ना। जिम्मेदार कौन चेतन, जिम्मेदार कौन? आपकी बैटिंग आज जिम्मेदार मानना पड़ेगा, स्पेशली जो कोशिश नहीं की। देखिए श्रीलंकन बैट्समैन ने चेस करते समय कोशिश की, अगर आप बल्ला घुमाएंगे सौरभ तो रन्स कहीं ना कहीं आएंगे, अगर रन्स नहीं भी आएंगे तो दूसरे को मौका मिल जाएगा, मेरा ये मानना है कि। और यहाँ पर युवराज ने ट्राई नहीं किया, मतलब हम कह रहे थे कि हमारे जब स्पिनर्स गेंदबाजी करेंगे देखना चाहता हूँ कि उनके बैट्समैन कितना असरदार साबित होंगे, असरदार पूरे असरदार साबित हुए। उन्होंने कोशिश की, उसके बाद आपका एज भी लगेगा, टॉप एज लगेगा, कहीं ना कहीं रन आने की संभावना होती है, लेकिन हमने तो वो संभावना नहीं। ये कह रहे हैं कि केवल युवराज को दोष नहीं दिया जा सकता, आपके ओपनर्स ने भी शुरुआत के 5-6 ओवर बहुत धीमे खेले, एक विकेट गिर गया था, आपने वहां भी रन नहीं बनाए। सौरभ अगर आप आंकड़े देखें, 44.4 ओवर 109 रन भारतीय दो विकेट थे और वहीं पे 104 रन 4 विकेट के नुकसान पर श्रीलंका थी। यहां से अगर आप 5.2 ओवर्स की बात करते हैं, अगर 50 रन, क्योंकि एवरेज में आपके 50 रन आते हैं 10 रन प्रति ओवर, आपने जो मैच गवाया है लास्ट के 5 ओवरों में गवाया है। शुरू में अच्छी शुरुआत की जरूरत थी, थोड़ा धीमा आप खेल सकते हैं, विकेट्स हाथ में थी, लेकिन उन विकेट्स का फायदा क्या है अगर लास्ट के 5 ओवर में मात्र 20 रन अगर आप बनाएंगे। 2011 का हीरो है ये खिलाड़ी और आज आप इस फाइनल में हार का की वजह उनकी धीमी बल्लेबाजी। क्रिकेट आपको हीरो और जीरो ही तो बनाता है, यही जैसे चेतन ने कहा कि जब लास्ट के 5 ओवर में हमारे कम से कम 60 रन आने चाहिए थे, 50 से 60 के बीच में, हम मैच 15 ओवर के बाद हारते चले गए। और आपने बनाए कितने रन? हमने बनाए 5 ओवर में 21 रन। 5 ओवर में 21 रन, अगर हमारे लास्ट 5 ओवर में 60 रन होते तो 40 प्लस होते तो 170 का टारगेट। वेस्ट इंडीज ने बनाए थे 5 ओवर में 80 रन। सौरभ 5 ओवर में आप 30 आपको और आपके पास विकेटें पड़ी हैं, आपके 2 ही आउट हैं। वो विकेटें हम वापस ले गए, वापस ले गए शायद यहाँ लाने के लिए। अब देखिए पहले 6 ओवर में अगर आप देखें तो उन्होंने 42 रन बनाए लेकिन विकेट भी 2 खोए, लेकिन उन्होंने कोशिश, उसमें फर्क है जी ना, उनको पता है उन्हें कितने रन पाले में होता ये मैच या इतिहास रचा जाता। मुझे वो जो 20 रन कम बने बात केवल उनकी कर रहे हैं, चेतन जो कह रहे हैं कि वो आखिरी 5 ओवर में एक्स्ट्रा 20 बनने चाहिए थे जो नहीं बने। देखिए ये आप एक खिलाड़ी को नहीं कह सकते कि उसकी वजह से हुआ, शुरुआत में अगर जैसे उन्होंने 10 से 11 रन फालतू कर दिए, क्योंकि आप सबसे बड़ी बात है आपने टॉस हारा, आप बैटिंग कर रहे हैं, आप पहली बॉल से नहीं घुमा सकते, आपको विकेट्स आपके हाथ में रखनी, आपको विकेट्स की कंडीशन नहीं मालूम, आपको ये नहीं मालूम विकेट स्लो है कितना आएगा, आप उस वहां पर पोजीशन पर विकेट खोया था, मैं आप पोजीशन पर ले गए। श्रीलंका ने भी तो बल्ला चलाया, उन्होंने भी तो वो चेज कर रहे हैं, वो चेज कर रहे हैं, टारगेट पता है आपके पास, इतनी लंबी बल्लेबाजी है,
आपके रविंद्र जडेजा की बारी नहीं आई तो क्या कर लिया उसने, वो तो पवेलियन में बैठे रहे, आप शुरुआत तो करते हैं। ऐसा है सौरभ, ऐसा है, देखो सीधी सी बात है, अगर आपने पहले गलती कर दी और उसकी भरपाई 14 ओवर में पूरी कर ली, आपने 15 ओवर में आपने 110 रन बना लिए, तो पहले आपने स्लो खेले तेज खेले उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक आपने पे पहुंच गए थे, आपको वहां से लॉन्च करना था, लास्ट के 5 ओवर में एक्सीलरेट कर रहा था जबकि आपके पास विकेट थी। आप योगराज को अकेला दोषी नहीं मान सकते, शुरू में भी धीमा हुआ, भरपाई हुई लेकिन फिर हम किसी को दोष क्या दे रहे हैं, पांच ओवर में गड़बड़ रन नहीं बने। अभी देखिए बात ये कि उस वक्त रन बनने चाहिए थे जो नहीं बने, सिर्फ हमारे स्पिनर्स ने भी गेंद ज्यादा अच्छा नहीं किया और वो उसी का नतीजा है कि ये खामियाजा भुगतना पड़ा। रन पर आप अपने गेंदबाजों को दोष नहीं दे सकते सौरभ, आपको आपको जो 15-5 ओवर्स में रन्स बनाने चाहिए थे आपने वो रन्स नहीं बनाए, दोष मैं किसी को देना नहीं चाहता, दोष देने की जरूरत नहीं है, आंकड़े सामने बता रहे हैं, मुझे किसी के नाम लेने की जरूरत नहीं, आंकड़े आपको बता रहे हैं। आप ये बताइए क्रिकेट के अंदर सभी इतनी क्रिकेट खेले हैं, लास्ट के 5 ओवर में कौन से इंटरनेशनल फाइनल में 21 रन बनते हैं? 21 रन बनते हैं तो आप डिजर्व करते हैं, वो भी T20 में, T20 में, मतलब आप हम ओपनर्स की कोई बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं वो हम वहां बिल्कुल बराबर आ गए, आपको जो गेम लास्ट के 5.2 ओवर्स में लेकर जाना चाहिए था आप नहीं लेकर गए, क्यों नहीं लेकर गए वो हमारे सामने। अच्छा दूसरी बात करूं थोड़ा, क्योंकि युवराज की बात चल रही, टू बी फेयर टू हिम, इतना आसान शायद विकेट नहीं था, मैं तो आप ही लोगों की बात सुन रहा था कि रन बनाने इतने आसान नहीं भी थे इस पिच पर शायद। देखिए उन्होंने बनाए ना 17.5 ओवर में उन्होंने लक्ष्य पूरा कर लिया, वही संगाकारा देखिए आप उसी हिसाब से देखिए, जाते जाते वो एक ऐसा इतिहास रच गए हैं कि वो जब तक क्रिकेट जिंदा रहेगी श्रीलंका में याद किया जाएगा श्रीलंका के ये वर्ल्ड कप को, और सबसे पहले संगाकारा। इसी मुद्दे पे मैं कह रहा था कि अभी यश जी कह रहे हैं कि संगाकारा ने रन्स बनाए जो रिटायरमेंट की कगार पर है और युवराज सिंह रन्स नहीं बना रहे हैं, हम किसको दोष दें? हम 5.2 ओवर्स में 21 रन बनाते हैं और संगाकारा एटलीस्ट आप बल्ला तो चलाए ना, आप बल्ला चलाएं, विकेट्स गवा दें, सुरेश रैना आपके पीछे है, महेंद्र सिंह धोनी आपके पीछे। आखिर के वो कुछ लम्हे हम देख लेते हैं जब ये मैच खत्म हुआ भारत की हार के साथ। Now has he got it? Yes, he has. Sri Lanka, the new champions of the ICC World T20. Well played. They've tried to the lights here at Mirpur in Dhaka. And Sri Lanka win with 13 balls remaining. And Sangakkara's 52 not out of match-winning innings. Terrific stuff. Look how happy they are. They've got all the right to be happy. 4 finals finished on the losing side. And they've beaten the best team in the world in this competition. Kumara Sangakkara, Lasith Malinga, captain for the first time. And wins all 3 games and the cup for Sri Lanka. Last time they won was 1996. Now the winners of the ICC... चलिए तो ये था वो आखिरी लम्हों को हिट मारती, पता था कि वो गेम पूरा हो गया, लेकिन विराट कोहली आज भी 77 रन, ये खिलाड़ी आपको